दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। 9 मई 2023 भिवानी अनाज मंडी में भाई देखांगे घूम फिर की तो के कुछ चल रहा है। या सोवत ही पीछे थपड़ जाएगी, या ध्यान रखियो हमेशा। बोल बेटा, थपड़ के आई हूं। के कर गई बेटा? पढ़ के आई हूं। कौन सी क्लास में होगी? सेकंड में। सेकंड में कौन से स्कूल में पढ़ा है? जनसेवा में। जनसेवा में, अच्छा। सही, पीछे सोया ना कर, ठीक है ना, गिर जाएगी। थोड़ा जी ध्यान रखिया करो। हाँ, तो साथियों भाई कई बके हुए है, या लड़की भाई सोन लाग रही थी पीछे, तो थोड़ा हा भाई छोटे बच्चे हुए हैं और यो टाइम दूसरा हुआ है, बालक थक गया है स्कूल में, तो भाई बैठा 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 तो बालक भाई सोन लाग गया पीछे, तो हमेशा भाई आगे बैठा के लिया वो बालक ने, तो पीछे नहीं भाई, या लड़की सुती थी भाई, तो थोड़ा ठीक को नहीं, बालक गिर सका है। तो भाई देखा है भाई, सरसम भी आ रही है, जो है डेरी कम देखने मिल रही है। तो नमस्कार जी, ठीक सो? अच्छा, चलो राम राम भाई साहब। तो बेकली सरसम में, अच्छा, तो एक भाई भाव पूछा है सरसम के कुछ बे क्या है? देख, नमस्कार जी, यह डेयरी तो बिकी से 4800। अच्छा, हाँ 4800 बिकी है। 4800 बिकी से, ठीक। कितना के तेल था इसमें? इसमें था 36-37-38 ताई था इसमें, बताइए। लैब होगी लगभग। हाँ, तेल। हाँ, की बात मंदी आ गई के? या तो या की भेज रही थी ना। अच्छा, तो या बिकी से 4800 वो बिकी से 4800। अच्छा, दो डेयरी बिकी गोरी पर की थी। अच्छा अच्छा, हाँ बढ़िया सरसम थी। किसान आ रहे है यो खड़िया? अच्छा, एक बार इस तो बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम क्या है जी अपना? रणजीत है भाई साहब। अच्छा, गांव गोरीपुर। गोरीपुर है, तो सरसम दोनों अपनी थी? हाँ जी, दोनों अपनी थी भाई। अच्छा, के बाबे की है पता आपने? या एक तो बिकी है भाई 4800, या 4600 बिकी है। अच्छा, कौन सी वैरायटी थी? या वैरायटी थी भाई मदलवर से लिया था। कितनी की औसत आई? या भाई 20 मन का लगभग आई। 20 मन तो इतनी दूर तो भी लाए, फिर भी कोई घनी खास कौन लगड़ी भाई? बस ओला नुकसान था। अच्छा, ओला नुकसान था। अच्छा, ओले आ गए थे तो? हां, ओला झाड़ के कम से कम तो दो बोरी नुकसान लगभग करया। अच्छा, तो सरकारी रेट पे कोनी बेची? सरकारी रेट पे कोनी बेची, ऑनलाइन कोनी कराई थी? ऑनलाइन भाई वाला तो अपने पूरा खर्चा ले जाओ। हां तो वहां तड़का मन क्यों देगा, ऑनलाइन बेच दो। अच्छा, तो भाई नू भी कहे हैं भाई आड़ती खत्म होने चाहिए, तो होने चाहिए भाई। वो तो गवर्नमेंट जाना भाई, हमने तो भाई आड़ दिया, हमने सब फादिया भाई। फादिया? हाँ, हमने फादिया भाई। बैंक वाले दे देंगे आधी रात में पीछे? ना, आड़ती दे देगा? आड़ दे, बिल्कुल आधी रात के तो सबर ने खिला दे भाई। अच्छा, हमने तो ठीक, चलो ठीक है। नरमा बोई की में? नरमा बोई कौन से? एक मिनट, यूएससी 91। अच्छा, सारी? हाँ सारी। अच्छा, पहले बोरिया की थी? पहले वहाँ पिछले साल बोई थी। किसी को सतावा इसकी भाई? वो तो माने उस पर मौसम पर डिपेंड है। ऊँट इंडा टेंडा के साथ बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ बाकी मौसम पर डिपेंड है। अच्छा अच्छा, चलो ले। हाँ जी, अब आड़ती तो बाबूजी खत्म हो को नहीं, आड़ती अभी ना काम चल रहा को नहीं। वही नू कह आड़ती हटा देंगे बीच में, तो बीच में हटा दिए, ये सारी सरसम खराब कर दी। जरूरत गए ना तो आड़ती सारी सरसम की सुरक्षा करें, गवर्नमेंट का घाटा को नहीं पड़े। ये भी ये सारी सरसम आड़ती आएंगी और लगी से मंडी में, मंडी में ना काम चल रहा है आड़ती का, आधी रात का गना है दुकानदार तो। किसान का भी कौन नहीं चाल मंडी में ना दो? हाँ, किसान का भी कौन चाल मंडी में ना दो? एक आदमी जब गेहूं लेनी होगा, हाँ, तो वो अपनी मन मर्जी तो लेगा। हाँ, फिर उसने भाको नहीं पाओ आड़ती बिना भाको नहीं हो। और आड़ती का किसान का तो सात पेटी का मेल से जुड़े हुए ऐसे,
बैंक दे देगा दी रात ना बैंक क्या देगा बैंक तो नुक दे अच्छा बजे बस बंद हो गया हां छह के वो तो 4 बजे के बाद दे हो जाएगा 4 बजे के बाद बंद कर देगा चलो हां ठीक है जी ठीक कि वे सर चम थोड़ा सुधार तो हो रहा है सुधार हुआ सिर्फ 2-3 दिन से और जो या हो जाए ना तो या 5000 हो जाए सर चम तो अच्छा हां लग गया है अपना बच जाएगी सर चम हां लग गया सर जमींदार 5000 की 5.5 की बाट देकर फिर सारी मंडियां ही में आ जाएगी चलो ठीक है जी धन्यवाद एक बात और बताओ सरकारी खरीद बंद है फिलहाल हाँ बंद से तो भाव जी और गेहूं खरीदो गेहूं तो खरीदो कै तारीख तक खरीदा सरकारी तो बेरा कोई अच्छा। जी कै तारीख नहीं ठीक ठीक है जी हाँ धन्यवाद तो साथियों कहो तो है भाई बिचौलिया ना खत्म करने की देखो बिचौलिए खत्म हो गए तो बैंक भी पीछे को नहीं दे भाई जमींदारा ने किसाना ने तो भाई आधी रात ने ले सके है इन पर तो और भाई किसी का एक आदमी का हाथ में जागी के जो भी फसल है वो अपनी मन मर्जी तो लेगा भाई मन मर्जी पीछे लगा होगा जो जी करेगा वो थाटेगा जी करेगा उन्हें रिजेक्ट करेगा तो भाई देखो मंडी ये देखा दें भाई इब का तो यो गेहूँ भी भाई सारा इन सड़ा तड़ा लाग रहा है फिलहाल एक बार ये गेहूँ भी आ रहे हैं तो एक बार किसान तो बात कराएंगे गेहूँ किसके हैं अपने हैं राम राम भाई साहब राम राम भाई साहब नाम के भाई साहब अपना विजेंद्र गांव कौन सा भाई शिवाड़ा कुवाड़ शिवाड़ा शिवाड़ा तो गेहूँ भरा रहे थे ना घर तक हल के लिए अच्छा तो बेच लिए ना बेचे को नहीं प्राइवेट बेचा का सरकारी ना प्राइवेट अच्छा कि मैं लागे हैं लगाऊंगे भाई देखे हैं हमने प्राइवेट कितने बिके हैं 2100 के आसपास अच्छा 2100 के आसपास तो कौन सी वैरायटी है यार इसमें 2-3 डाल की वैरायटी है इसमें 1105 भी है अच्छा और इसमें यो 67 भी है और 100 यो 502 मिक्स हो रहा है मिक्स हो रहा है अच्छा फिर सरकारी पे नहीं बेचे सरकारी पे इतने एकागत थे इतने ऑनलाइन थे इतने सरसम ज्यादा थी सरसम ज्यादा थी तो सरसम बेच दी सरकारी पे ठीक तो टाइम तो पहले बेच गए तो ना तो बुआनी पड़े ना अपनी बुआनी हां अच्छा बुआनी खेड़ा है हां ये तो खरीद बंद होली सरसम की जमा बंद देख कर चलो ठीक है जी ठीक ये दिखा दे भाई बका गेहूं तो साथियों भाई कुछ ढेरी कोई कोई ढेरी जोया की भी आ रही है और सरसम भी आ रही है और भाई कुछ ढेरी गुआरी की भी देखने न मिल रही है तो ये सैंपल ले जाए भाई पोलोथीन में गल गल की सरसम के ये 2-3 जगह आता है ये दिखा दें भाई और 2-3 लैब लाग रही हैं 50 रुपये एक लैब के हैं भाई जो सैंपल टेस्ट करेंगे तो भाई आज एक आनंद ट्रेडिंग कंपनी तो भाव लेवांगे और भाव पूछांगे नमस्कार जी और ठीक सो आनंद ट्रेडिंग की तरफ से भाई सभी किसान भाइयों को राम राम किसान भाइयों गवर्नमेंट में जिसने सरसम नहीं भरी उसने बहुत चूक करी बाजार फिर मंदे की दौड़ पर है नीचे में 4700 मील कंडीशन होगी 4400-4500 डेयरी बेच की वापसी 4800-4900 डेयरी होगी थी आज कुछ मंदे की टून है तेजी की टून नहीं है अच्छा सरसम थोड़ा मंदा है हाँ कल भी मंदा था जो सरसम शनिवार ने 49-49.5 बिकी थी आज वो सरसम 48-47-48 के बाद शिरे के हैं जी अच्छा नीचे में 44-45 के बाद मानो 4400 ऊपर में 48 हो गए बा मानो तो सरकारी खरीद बंद होली सरकारी खरीद बंद होली जो कूपन कट रहे हैं उसकी खरीद कल भी हुई थी आज भी जारी है अच्छा वो लिखने लग रहे हैं अच्छा उन्होंने लेंगे हाँ उन्होंने लेंगे किसान भाइयों गवर्नमेंट के सरसों भरवाने का मामला था आपकी बात ठीक बाकी जो भी 1600-1700 बिकने लग गया नीचे में 1600 जी ऊपर में 1750 जो हाँ जी जो क्यों मंदा आ गया फिर हाँ 2020 बिक के वापसी 200-250 रुपए का मंदा है जी गेहूं के भाव 20-30 रुपए सुधरे हैं जी गेहूं 2100 रुपये प्राइवेट में डेरिया का बिका है जी अच्छा प्राइवेट हाँ जी सरकारी खरीद चल रही है सरकारी खरीद गेहूं की बराबर है हरियाणा सरकार जेपी दलाल जी केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी वहाँ के केंद्र के कृषि मंत्री जी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि हरियाणा के किसानों ने बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी खरीद करी है प्रश्न योग्य खरीद करी है
सरसों की पेमेंट भिवानी के अंदर तीसरे दिन पेमेंट चौथे दिन अपने खाते में आ चुकी है 90% की। अच्छा, गेहूं की पेमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है जी। 3.5 सुचारू ढंग से काम कराया है, टाइम से कागज लगवाए हैं, टाइम से माल भरवाया है, टाइम से उठवाया है, उसकी पेमेंट लग चुकी है। अच्छा, एक बात बताओ, कई किसान कह रहे थे कि भाई 10-10 पीछे की 10 तारीख के पैसे नहीं आए हैं, तो वो कारण क्या है? ये नहीं है, उसके उसमें कुछ फॉल्ट मिलेगा, या तो कोई खाता अपडेट नहीं है या कोई टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि 20-22 तारीख तक की पेमेंट लगभग हो चुकी है। अच्छा, पेमेंट तो 24-25 से लेके और भी या जो बिडिंग नहीं हुई है, या माल पड़ा हुआ है, या माल उठा नहीं है, बारिश की वजह से रुकी हुई है। अच्छा, इस सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला काम किसान को पेमेंट हरियाणा के अंदर 3 डे की 4 दिन की पेमेंट थी, बधाई की पात्र है। ठीक, जबकि बाणिया भी 2-4 दिन लगा देता है, सरकार तीसरे दिन पेमेंट खत्म दे रही है जी। गेहूं और कपास का किसी भी किसान को बिकवाड़ी में कोई भी समस्या नहीं आई। गेहूं के अफसरों का भी मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं, DFSC डिपार्टमेंट का भी तय दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके हर किसान का गेहूं खरीदने का काम कराया है। बात रही सरसों की, सरसों में मौसम की वैरायटी को देखते हुए फिर भी गवर्नमेंट ने दाने का दाना उसका खरीदा गया है। जिसके पास कूपन था उसको कोई दिक्कत नहीं आई व्यापार में, जिसके पास कूपन नहीं था, मार्केट मंदी थी, ढहगी जी, उसकी भ्रूण मट्टी हुई है। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने रद्दी माल भी गवर्नमेंट के तुलया है किसान का, अगर बारिश में खराब हो गया माल, सूखा माल है तो भी तुलया है किसान का, किसान को तक नहीं पाने दिया इस सरकार ने। तो ये गेहूँ इनका सैडाम लगा दिए के कारण है, ये बाहर गेहूँ सरकार का पैसा बहुत वेस्टेज हो जाता था, बारिश के मौसम में खराब हो जाता था, डिश वैरायटी हो जाती थी, जब वो हमारा गरीब किसान या गरीब खाता उसको, तो वो दागी गेहूँ जाता था डिपुओं में, और फोटो उतरवाता था, DC भिवानी कोयली रिपोर्ट देता था कि सर हमारे तो रद्दी गेहूँ मिलता है, इसलिए DC का आदेश था कि कोई भी खुले में माल नहीं लगे, ताकि जिस आदमी को गेहूँ मिले गरीब को वो ठीक अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छा, वो गेहूँ तो मिल जाएगा, फिर किसान अपना माल ले आओगे उकड़ गिरेंगे। अब देखिए, लगभग मंडी में माल का जोर हो चुका है। हाँ। ये एक सरकारी महकमा है, भिवानी DC किसी भी चीज को मांगेगा आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वह बात तो सही है भाई, वो तो सरकार है, कड़ाई लेकिन ये जल्दी आरओ में उठ जाएंगे, जैसे हमने सुनने में आया है, जो ही कोट्या की कोई आरओ लगेगी तो ये 2-3 दिन में उठ जाएगा, 20 दिन में। ठीक, ये ज्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं है। अच्छा, तो सरसों में तो आप शुरू से भी कह रहे थे भाई सरसों बेचनी चाहिए। सरसों में तो मैं 6,000 में लगा था सर, 8,500 में कपास में लगा था, और वह कपास बेहतर 73 हो गया। कपास की भी कहा करते भाई, बेच दो आज वो कपास, वाक्यू में अगर रोज दिल बेचता है किसान तो 70-72 के भाव है। और भाई सरसम भी न्यू सोच लिए, 45-40 में 90% सरसम बिकने लाग रही है, और 10% डेयरी बिके 47-48। अच्छा, इस बात में भाई फर्क हो तो आनंद ट्रेडिंग वाला जवाबदार से, और भाई दम नहीं से एक बके है, मैं भी सारा सौदा मंदा से डिब्बे में जी, कोई दम नहीं है, बेच के चल लेगा फायदे में रहेगा। सरसम उल्टी 45 से देखेगी भाई, 45-40 माइक ना थोड़ा, हाँ मई का मंदा है, नो कर ले थोड़ा, तो ऐसी बात नहीं है, मार्केट में माल जो जरूरत के अनुसार बेच से किसान तो अच्छी बात है। ठीक, देखिए मैं फिर दोहराऊंगा, हरियाणा सरकार को, हरियाणा मुख्यमंत्री को, JP दलाल जी माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत सहयोग है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आई है अनाज खरीदने में, और उनको पेमेंट टाइम पर करी गई है, टाइम पर उनका माल खरीदा गया है। जिस किसान ने एक बिना 5-7 दिन खरीद हुई है, किसान ने जो जागरूक था उसने सबका माल बिक चुका है। ये नू कह रहे थे कि भाई खरीद और चलानी चाहिए, तो सरकारी खरीद तो वैसे एक महीना चल, देखिए 1.25 महीने खरीद चल रही है, लेकिन अब किसान ढीला रहेगा, कागज नहीं लाएगा तो क्या करेगा। फिर भी मौसम की देरी थी, उसके बावजूद भी मार्केट में तेज था मार्केट, तब किसान माल नहीं ले रहा था, जो 52-53 के भाव चले हुए थे उसमें रोक रहा था माल, जो ही 44-4500 का भाव हुआ किसान मार्केट में गवर्नमेंट का माल तोड़ने लगे। अब उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने पहले आओ पहले पाया है, ना तो कोई कूपन का दिन करया उसने, ना कोई टोकन मुकरर करया, किसान माल का डोर तो लो। सही बात। तो जो का आज का के बाजार चले, जो के भाव ऊपर में 17.5-18 के मान लो, 1800 रुपये नीचे में 1600 मान लो। अच्छा, और बाजरे का के बाजार चल रहा है, बाजरे की 2100 रुपये भाव वो चल रहा है, पड़ी मार्केट है। अच्छा,
और मंदा है, कपास में मंदा है, नरमा का के बाजार चलिया, नरमा के मंडी के भाव है 72-73 के, 72-73 मील में 7500 के भाव है, पूछ के 200 रुपया खर्चा है। अच्छा, कई साथी नुका दे भाई मील में ज्यादा ले तो मील में दामी जोड़ की भाव है, फीस का ही भाव है। अच्छा ठीक, तो गुआर का के बाजार है, गुआर के भाव आज 20-30 रुपए ढीला है, 5300 के भाव मान लो, 52-53 के। अच्छा, बढ़िया गुआर के। ठीक, मिल गया ठीक। भाई। और मेथी का के बाजार चल रहा है, मेथी के भाव है जी 5500 से लेके 5500 तक। अच्छा, और चना का के बाजार, चने के भाव है जी 4500 से लेके 4800 तक, 4800। और अपना इसका मूंग मांग का के बाजार, मूंग तेज है जी, मूंग के भाव है ऊपर में राजस्थान में 9000 भी क्या है, अब राजस्थान में मूंग का भाव है 7500-7600 रुपए। अच्छा, अपने मूंग का दाम मान लो 6500 से 7000, 6500 से 7000। ठीक, और खड़बिंदोड़िया के बाजार चले, खड़बिंदोड़िया के भाव हैं, खड़ के भाव 3200-3300 के हैं, बिंदोड़िया के 4000-4200 के भाव। अच्छा, और बढ़िया जो चर्चा तिल की है, बढ़िया 45-40 के भाव, 45-40 के। अच्छा, बिंदोड़िया ही नहीं कपास के भाव डाट रखे हैं सर। ठीक, बिंदोड़ा अगर अपने रंग पे आ गया तो कपास 6000 रुपये हो जाएगी सर, 6000। और सरसों का तेल का के बाजार, सरसों के तेल के भाव हैं सर 99-100 रुपये का भाव है, नीचे 9300 है। अच्छा, और देसी कपास, तो ये देसी कपास का भाव मालूम नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि मार्केट में आता नहीं है, आती नहीं, अब तो लगभग वैसे भी टाइम नहीं है देसी, टाइम नहीं है अब तो, वैसे भी यहाँ ना तो नरमा को तोलता है नंबरदार, ना नरमा को उतारता है। अच्छा, 283 का के बाजार चल रहा है, 283 गेहूँ भाई, कोई 2500 रुपये तक बिक जाए जी, बढ़िया गेहूँ, बढ़िया गेहूँ, 2400-2500। 306 आवा है, नहीं आता सर, 306 आता है नहीं, आवा तो 3000 में रेंज बिक जाए लगभग, किसान अपने खान खातर बो है तो बस। जो ये एमपी वाले गेहूँ हुए तो मिल जाए, सफाई का गेहूँ है जी एमपी का 2400 से लेकर 3000 तक मिल जाता है, 3000। ठीक, मीडियम गेहूँ। चलो, तो मंडी में लगभग है, मंडी में अवेलेबल नहीं है, सरसों बहुत कमान गिरन लग रहा है, जो सरसों गिर रही है वो कार्बन की है। अच्छा, उसके दाम 4400-4500 से लेगी 4600-4700। तो यो कार्बन के हुआ है, थोड़ा इस कार्बन के बारे में हो रहा है, एक बार बताओ किस कार्बन, जो बारिश में भीगी सर, खड़ी में नीचे थी, आली होगी, दागी हो गया वो माल। अच्छा, वो उसका तेल का लोथा बन जाएगा, ठीक, काला हो जाएगा सर उसका तेल। अच्छा, और काला खाने के मामले में फिर सरकार अलर्ट है। हाँ, कई किसान साथी नुगे हमारी सरसों का भाव मंदा ला गया, तो कार्बन का कारण भी भाव मंदा हो जाए, कार्बन की वजह से ही भाव मंदा है सर। ठीक, क्योंकि उसका तेल नहीं बिकता, खड़ नहीं बिकती, अगला लिवाड़ भी क्या करेगा। ठीक, चलो ठीक है जी, आनंद जी सर, धन्यवाद सभी किसान भाइयों, आनंद ट्रेडिंग की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। तो साथियों भाई, ये आनंद जी आता भाई बात करी और भाव पता करे भाई, सरसों में आज थोड़ा सा मंदा है भाई, जो कल है भाई थोड़े ही कमज़ोर बताऊँ सरसों के भाव। तो साथियों भाई, थोड़ा बहुत और देखांगे मंडी में के कुछ है भाई, बोली तो वैसे इसी रहेगी भाई, जो है कि कोनी ही जो की डेरी भी भाई, लगभग 3-4 डेरी पूरी मंडी में, और बनाए बोली भाई लगभग बेकह हैं, और सरसों की डेरी भी भाई अपना तेल चेक कर गिर भाई बता दें भाई, इस बाह है यो बाह है, और गुआर की भाई कोई कोई एक दो तीन डेरी देखने मिल रही थी वैसे, और प्राइवेट में भाई सरसों गेहूँ लगभग भाई 2100 के आसपास बिकन लाग रहा है, और भाई चने भी भाई एक डेरी तो आ रही थी, फिर वो भाई बाहर से खरीद के ले रहे थे, तो वह कोई बेचण खातर को नहीं आ रही थी, तो और देखांगे। ये दिखा दें भाई, ये गुआर 5050 रुपये बिके है भाई, घूमते फिरते ये दिखा दें। हाँ, तो साथियों भाई लगभग भाई सोच लो जैसा माल उसे पीछे भाई 4700 भी गया है और 4800 भी गया है, यो 5050 रुपये बेके है भाई। और भाई सरसों की खरीद की बता दें भाई, फिलहाल तो अग शायद हो को नहीं, और ईब की बता दें जो लगभग 1-2 तारीख थी के जिसके टोकन कट रहे थे उनकी खरीद हो जाएगी भाई, उनकी सरसों ली जाएगी, और अग नहीं नहीं होगी भाई। तो भाई साथियों, ये थे आज भिवानी अनाज मंडी, भाई लगभग पूरा दौरा लगा दिया भाव। तो अपनी वीडियो कैसी लगी इन्हें ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार भाई, एक भाई डेयरी के बारे में, और नरेंद्र
बेचेगा ये है? अच्छा के आया ठीक। ये भाई बाहर तले आए हैं तो ये इनका कोई नोको नहीं भाई बेचण खातर हूँ जी राड़ भाई कोई खरीदना होगा उस तरीके से भाई बेचे जाएंगे ये। तो साथियों भाई आप वीडियो न समाप्त करांगे। नमस्कार।